दोस्तों, आज मैं आपको उस रियलिटी से रूबरू कराने वाला हूं जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएंगी जिसमें आपको दावा करते हैं कि मैं आपका फोन अनहैक कर सकता हूं या इन गलतियों की वजह से आपका फोन हैक होता है। लेकिन यहाँ पर आपको उस ट्रिक के बारे में कोई नहीं बताता या उस तरीके के बारे में कोई नहीं बताता कि किस वजह से रियल में कैसे हैक होता है और वो कौन से एप्लीकेशन हैं जिन पे हम क्लिक करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लिक से ही डाउनलोड हो जाते हैं और आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं, यहाँ तक कि आपके इंटरनेट डेटा को भी हैक कर लेते हैं। कई बार आपको ऐसा देखने को मिला होगा कि आप 2 से 3 घंटे ही अपना फ़ोन यूज करते हैं लेकिन आपका 2 से 1.5 GB डेटा आपका पूरा का पूरा वहीं पर खर्च हो जाता है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, वो आप नहीं यूज़ करते हो, वो जो भी बंदे ने आपका फ़ोन हैक कर रखा है वो आपका डेटा चुरा लेता है, ठीक है। तो इसके जरिए आपका फ़ोन का डेटा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको उस रियलिटी से रूबरू कराने वाला हूँ और हाँ, ऐसे 5 घातक हैकिंग ऐप बताने वाला हूँ कि जिनको अगर आप गलती से भी इंस्टॉल कर लेते हो तो आपका फ़ोन हैक होने से किसी का बाप भी बचा नहीं सकता है। ओके, तो बने रहे वीडियो के एंड तक, और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। और मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ टोटल कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं हैक है और किन गलतियों की वजह से हैक होता है और इसे कैसे अनहैक करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, सारी जानकारी देखने को मिलेगी और सब कुछ देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपका फोन किन गलतियों की वजह से हैक होता है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको किन वेबसाइट पर या किन एप्लीकेशन को भूल से भी लिंक पर उनकी टच नहीं करना है। ओके, और इसको कैसे अनहैक करें, अगर हैक है तो कैसे अनहैक करें। ओके, तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि किन गलतियों की वजह से आपका फोन हैक हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले गलती तो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कहीं जाते हैं, अगर किसी स्टेशन में बैठे होते हैं, रेलवे स्टेशन में बैठे होते हैं या किसी पब्लिक प्लेस पर होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं अपना वाईफाई ऑन करके इस तरह से वाईफाई को ऑन कर देते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, जा करके किसी भी मतलब थर्ड पार्टी हॉटस्टार को, सॉरी हॉटस्पॉट को एक्सेस करके वहां से इंटरनेट यूज करने लगते हैं, जो कि बहुत ही रॉन्ग है। यहाँ पर जब किसी भी आप थर्ड पार्टी के हॉटस्टॉप को, सॉरी हॉटस्पॉट को एक्सेस करते हैं तो वो क्या करता है, आपका जो डेटा है वो अपने फ़ोन में स्टोर कर लेता है या अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है, जिससे कि आपके फ़ोन में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आपका फ़ोन हैक कर लेता है। बट आपको नहीं पता चलता, आपको बिल्कुल भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। फिर इसके बाद में आपको लगता है कि यार मेरा फ़ोन हैक हो गया है, मेरा डेटा लीकेज हो रहा है, मेरा इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है, यही सारे संकेत होते हैं। ओके दोस्तों, मैं वादा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल इन्फॉर्मेशन देखने को मिली, आपको खुद फील होगा कि ये बंदा यार मुझे रियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, अब बात आती है और किस वजह से हमारा फ़ोन हैक होता है। तो दूसरा ये है कि हम क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को क्रोम ब्राउजर से इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि बहुत ही रॉन्ग है। ओके, यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन, फेक एप्लीकेशन मिलते हैं जो कि हूबहू जिस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करने वाले होते हैं उसके ही जैसे दिखते होते हैं, यानी कि क्लोन। ओके, बट वो एक हैकर के एप्लीकेशन होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई हैकर ने तो नासा को भी नहीं छोड़ा। ब्रदर, नासा को नहीं छोड़ा है, लेकिन आपके फ़ोन में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है जो वो आपको हैकर इतनी मेहनत करेगा हैक करने के लिए। नासा को हैक करने के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। ओके, इसलिए उन्होंने वो लोग हैक करते हैं तो उसके लिए उनका पैसा भी खर्च होता है हैकर्स का। ओके, क्योंकि यहाँ पर उनको कुछ बहुत सारी डिवाइस या बहुत सारी चीज़ें खरीद कर रखी होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें सॉफ्टवेयर वगैरह परचेस करने पड़ते हैं। ओके, तो इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। तो आपका ये फ़ोन हैक करने से उन्हें कुछ ज़्यादा एक्सेस नहीं होगा, बट ये होता है कि थोड़ा बहुत आपको आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा कर वो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करके उनसे पैसा अर्न कर लेते हैं। ओके, इस वजह से आपका फ़ोन हैक करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं, थोड़ा सा अलर्ट, तो कोई भी आपका फ़ोन हैक नहीं कर सकता है, किसी का बाप भी आपका फ़ोन हैक नहीं कर सकता है। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुने। ओके, तो और किस वजह से आपका फ़ोन हैक हो जाता है,
तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी जब हम मान लो कहीं पर मूवी सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, हम गए क्रोम ब्राउजर में, ओके, क्रोम ब्राउजर में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे हमने सर्च बार पे सर्च कर दिया। मान लीजिए हमने कोई सी भी मूवी सर्च बार पे सर्च कर दिया, ओके। और जब हम सर्च करते हैं इसके बाद क्या होता है कि जो भी मूवी आती है उस पर हमने क्लिक कर दिया, एंड वहाँ से हम अंदर जाते जाते अंदर जाते जाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पर हम अंदर ही जाते जाते लेकिन उसमें कुछ डाउनलोड नहीं होता है, कोई भी मूवी डाउनलोड नहीं हो पाती है। लेकिन आप वहाँ पर क्लिक करते करते कोई ऐसे लिंक पर भी क्लिक कर देते हैं जिसकी वजह से आपके फ़ोन में कोई सा भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पाता है। तो दोस्तों भूल कर भी किसी एप्लीकेशन या किसी वेबसाइट को वेबसाइट से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करना, ओके। ये तो हो गई आपको यहाँ से ये मतलब कि सावधानियाँ या किस वजह से आपका फ़ोन हैक होता है, ठीक है। अब बात आती है कि वो कौन से पांच एप्लीकेशन हैं जिनको अगर गलती से भी आप आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हो, देन यहाँ पर आपका फ़ोन पूरी तरह से हैक हो जाएगा। फिर तो आपको हैक होने से कोई नहीं बचा सकता, आपका डेटा लीकेज होने से कोई भी बंदा नहीं बचा सकता है, ओके। हाँ ये है कि अगर कुछ टाइम हो गया है और अब आप उसको अनहैक करना चाहते हैं तो अनहैक हो जाएगा, लेकिन अगर आपका जो डेटा चला गया है उस हैकर के पास तो वो डेटा वापस नहीं आने वाला है, ओके। तो चलिए मैं बता देता हूँ कौन से एप्लीकेशन है। दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। एंड्रॉयड और पीसी यूज़र कई तरह के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे भी ऐप हो आपके फोन ऐसे भी ऐप होते हैं जो आपके फ़ोन या आपके कंप्यूटर को प्रभावित कर सकते हैं, मतलब कि इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ओके। इतना ही नहीं, ये ऐप आपके डिवाइस को हैक भी कर लेते हैं। और इसके बारे में आपको बता दें कि कई बार क्या होता है कि हैक कर लेते हैं, कई बार आपके फ़ोन को मतलब आपके डेटा को यूज़ करके आपको अनहैक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार आपको आपका जो मतलब डेटा है उसका मिसयूज़ करते भी रहते हैं और आपका फ़ोन हमेशा के लिए हैक रखते हैं, ओके। तो मैं आपको पाँच एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, ठीक है, तो उनका भूल कर भी यूज़ ना करें, ठीक है। अगर आपको दिखाई देते हैं कभी क्रोम ब्राउज़र में या कहीं पर भी तो उनको भूल कर भी डाउनलोड मत करिए, ओके। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से बता देना। लेकिन हाँ, बताने से पहले अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ओके। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको पाँच ऐसे एप्लीकेशन। नंबर एक पर है दोस्तों, नंबर एक पर ये है एप्लीकेशन जो है ये ब्रॉइड बॉक्स ऐप है, ओके। ये एप्लीकेशन आपको कहीं पर भी दिखता है तो इसको इंस्टॉल मत कीजिएगा दोस्तों। ये आपके फ़ोन को ही नहीं हैक करता है, ये आपके जीपीएस लोकेशन या फोटो वीडियो या स्ट्रीमिंग जैसे काम करने मतलब कि ये सब हैक कर लेता है, ओके। आपकी जो भी पहचान है वो चोरी कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है बर्ब स्वीट ऐप, ओके, बर्ब स्वीट ऐप। इसकी स्पेलिंग स्क्रीन पे आ रही होगी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। और जो ये क्या करता है, बर्फ स्वीट ऐप ये है जो ये वेब एप्लीकेशन है, ओके। इसकी सिक्योरिटी जो होती है मतलब इसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग करने के लिए ऐप होता है, देखने को मिलेगा आपको सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए, लेकिन ये आपका इंटरनेट डेटा हैक करता है, ओके। इस तरह का एप्लीकेशन आपको फोन आपके फ़ोन पे इंस्टॉल हो जाएगा बट आपको पता नहीं चलेगा। इस ऐप के जरिए से लोग आपका डेटा चुरा लेते हैं और मतलब आपका इंटरनेट डेटा, ओके। और एक एप्लीकेशन है जो अगला तीसरे नंबर का एप्लीकेशन है वो है हैकोड, ओके, हैकोड, हैकोड ऐप। इसका भी स्क्रीन में आपको स्पेलिंग आ रहा होगा, ठीक है। ये टेस्टिंग के लिए बनाया गया था, इसके जरिए एडमिन यूज़र का नाम और पासवर्ड हैक कर सकते थे, मतलब हैक कर लेते हैं। बता दें कि अगर आप एथिकल हैकर हैं या मतलब आप हैकिंग थोड़ा सा सीखना चाहते हैं तो या हैकिंग के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो इस ऐप को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, किसी का भी फ़ोन हैक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। और इस ऐप से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, ओके। अब नेक्स्ट जो आता है वो है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, चौथा जो है एक करके आपको आपने देखा होगा कि कुछ एप्लीकेशन इस तरह से करके रहते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइप होते हैं। जो चौथा एप्लीकेशन है इसके कई टाइप होते हैं, जैसे वाईफाई और वाईफाई करके लिखा होता है ना, वाईफाई टेस्टिंग या वीपीएस टेस्टिंग या WPA टेस्टर, इस तरह करके ये एप्लीकेशन कई नाम से रहता है। तो ये मेरा ये जो आपके लिए है ये एप्लीकेशन है, ओके। तो इन एप्लीकेशन को भूल कर भी अपने फ़ोन पर इंस्टॉल मत होने देना और भूल कर भी इन पर क्लिक मत करना। कितना भी अट्रैक्टिव लैंग्वेज लिखा हो कि भाई इससे आप किसी का भी फ़ोन हैक कर सकते हैं, किसी का भी डेटा चुरा सकते हैं, भाई उस पर मत क्लिक करना यार, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आपका फ़ोन हैक होने से
दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है, ओके। और फिर एक बार फोन हैक हो जाता है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, आप बहुत सारी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ओके। और हाँ, अगर आपका फोन हैक है तो इनसे बचने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, एक नहीं दो दो वीडियो बना रखी है, चैनल पर जाइए, या फिर मैंने उसका लिंक एंड स्क्रीन पर, सॉरी उसका वीडियो मैंने एंड स्क्रीन पर लगा दिया। आप अगर वीडियो के एंड तक आए होगे तो आपको उसका वीडियो देखने को मिल रहा होगा, ओके। अपने फ़ोन को हैक होने से कैसे बचाएं, या फिर ये सर्च कर सकते हैं, ओके। तो ये बहुत ही गजब का एप्लीकेशन है। और हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम होती है उस वीडियो में जो हैकिंग से, मतलब आपके फ़ोन को अनहैक करेगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा और उसके लिए मैंने वीडियो भी बना दूंगा, ओके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके भी फ्रेंड, आपके फैमिली रिलेटेड इन प्रॉब्लम से बच सकें। और इसको फैमिली रिलेटेड में तो खास करके शेयर करिएगा, ओके। सो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।